जिन इंसानों की अना बहुत मजबूत होती है इनकी शख्सियत बहुत कमज़ोर रह जाती है। आपका शुमार खुश नसीब लोगों में होगा अगर आप आधे खाली गिलास को आधा भरा हुआ देखने की सलाहियत रखते हैं। अंधेरे की सबसे भयानक किस्म मनफी सोच होती है जो उम्मीद के हर चिराग को गुल कर देती है। बुराई से बचने का आसान हल लोगों को बुराई से रोकना है, क्योंकि इसके बाद लोग आपको बुराई नहीं करने देंगे। मुश्किल में अल्लाह को याद रखना मुश्किल नहीं, असल मुश्किल आसानी में इसे याद रखना है। जितनी जहानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा जहानत इसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों के दिलों में नफरत होती है वो नफरत ही फैलाते हैं, और जिनके दिलों में मोहब्बत होती है वो मोहब्बत ही फैलाते हैं। जिसे गर्म रोज़े की प्यास मत्तकी ना बना सकी, उसे कोई और चीज़ कैसे मत्तकी बना सकती है? जिसे ठंडे पानी का इफ्तार शुक्रगुजार ना बना सका, उसे कोई और चीज़ कैसे शुक्रगुजार बना सकती है? जब किसी महरूमी का दुख सताने लगे तो अपनी इन नेमतों को शुमार करें, जो अगर छिन गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अंधेपन की हर किस्म ही बुरी है, मगर बदतरीन किस्म दिल का अंधापन है, और ये अंधापन तासुब से पैदा होता है। इंसान को दुनिया में अपनी जन्नत बनाने के लिए भेजा गया है, मगर इंसान दुनिया ही को अपनी जन्नत बनाने में मगन रहता है। जो लोग ईमान और इखलाक की राह पर चलते हैं, जन्नत खुद ही इनकी मंजिल बन जाती है, और जो लोग ख्वाहिश और तअस्सुब की राह पर चलते हैं, जहन्नम खुद ब खुद इनकी मंजिल बन जाती है। इंतहा पसंदी के जवाब में इंतहा पसंदी का रवैया आपके इल्म व अखलाक की शिकस्त है। इंतहा पसंदी के जवाब में तवाज़ुन पर कायम रहना आपके इल्म व अखलाक की फतह की अलामत है। जो लोग अपने सीने में तअस्सुब के नाग पालते हैं, वो सबसे पहले खुद ही इनके जहर का निशाना बनते हैं। सबर की आदत के बगैर हसूल जन्नत की ख्वाहिश एक ऐसा ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं हो सकती। हदायत बंदूक की गोली नहीं होती जिससे दूसरों को निशाना बनाया जाए, ये रोशनी होती है जो दिल से फूटती है और सबसे पहले हमारे अपने वजूद को मुनव्वर करती है। हमारा असल इम्तिहान इस वक्त शुरू होता है जब बज़ाहिर हम इम्तिहान से निकल चुके होते हैं। नदामत तौबा के दरवाजे की असल कुंजी है, जबकि सरकशी और तावील इस दरवाजे के कुफल हैं। रोज़ा जन्नत का दरवाज़ा है, मगर ये दरवाज़ा सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो रोज़े की मुशक्क़त को तकवा की कुंजी में बदल सके।